खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख बेनकाब, बड़ी खबर। गुरपंतवंत सिंह पन्नू का पार, सांसद रणजीत सिंह बिट्टू का खुलासा। गलवान कांड के दो दिन बाद ही चीन से मांगी थी मदद, पन्नू ने खालिस्तान के लिए जिनपिंग से मांगा था सपोर्ट। देश के खिलाफ खालिस्तानी साजिश बेनकाब, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, शॉकिंग है ये तो, मतलब इस आदमी ने शी जिनपिंग को खत लिखा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पूरी जानकारी बताइए अभिषेक। देखिए निशांत, बड़ी बात यह है कि ये जो व्यक्ति जिसका चेहरा हम देख रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके बारे में आपको बता दूं, ये व्यक्ति इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित है। जो यूएपीए एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत जो इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने का प्रावधान किया गया है, उनमें से एक ये भी शामिल है। सिख फॉर जस्टिस जो संगठन ये चलाता है, उसके खिलाफ एनआईए ने अभी कुछ दिन पहले ही चार्जशीट दाखिल की है। और बड़ी बात, सिख रेफरेंडम 2020 का ये आंदोलन चला रहा है, पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को आईएसआई की मदद से फ्यूल करने में इसका बड़ा नाम सामने आ चुका है, पहले भी सामने आ चुका है। और इसी संगठन की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसका खुलासा कांग्रेस के सांसद ने किया है। तो ये पुराना चेहरा है और बहुत ही इसके बारे में मनीष, ये आदमी देखिए, हमारे जितने भी दर्शक है, मैं आपके सामने बहुत हैरत अंगेज जानकारी लेकर आ रहा हूं। गलवान घटना के दो दिन बाद इसने चीन से मदद मांगी है, ये इस आदमी ने, जिसकी शक्ल आप यहां पर देख रहे हैं। मनीषा, एमईए का अभी तक क्या रिएक्शन आ रहा है, भारत सरकार का क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए निशान, दिलचस्प बात यह है कि एमईए की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि भारतीय एजेंसियां सिख फॉर जस्टिस संगठन और इस पन्नू के खिलाफ लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनकी लिस्ट में है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको याद होगा कि हम लोग लगातार इसी प्रोग्राम में पन्नू की तमाम वो हरकतें जो भारत विरोधी है, इसका खुलासा करते आए हैं। और साथ ही हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि दरअसल जीएस पन्नू एक तरह का रिटायरमेंट फंड जुगाड़ रहा है अपने लिए, जहां पर वो पाकिस्तान और चीन का समर्थन लेता है खालिस्तान के नाम पर, जबकि उसका कोई वजूद नहीं है, चाहे वो अमेरिका में या कनाडा में, लेकिन वो इस तरह से अपने आप को प्रायोजित करता है कि उस सो कॉल्ड सिख फॉर जस्टिस के नाम पर वो खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे सके। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।